छतरपुर जिले के नौगांव शहर से सटे एक गांव में आतिशबाजी की बड़ी मात्रा पकड़ी गई है। ये सारी कार्यवाही मध्य प्रदेश के हरदा में हुए आतिशबाजी फैक्ट्री धमाके के बाद शुरू हो रही है। इस विस्फोट के बाद छतरपुर जिला प्रशासन द्वारा लगातार पटाखा फैक्ट्रियों पर कार्यवाही की जा रही है। पुलिस और प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने नौगांव के ग्राम सिमरधा में पहुंचकर खेत पर बने एक कमरे से भारी मात्रा में विस्फोटक पटाखे जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक इरशाद खान के खेत में आरिफ खान के द्वारा भारी मात्रा में पटाखे रखे गए थे। पटाखे का जो लाइसेंस 15 किलो का था, वह उससे ज्यादा मात्रा में पटाखे रखे हुए था। वह लाइसेंस भी रिन्यू नहीं कराया गया और निरस्त हो गया। इसके बाद भी पटाखे का कारोबार चल रहा था। ये पटाखे ग्वालियर से लाए जा रहे थे, जिसकी बाजार कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर आतिशबाजी जब्त कर ली है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। कितने किलो लाइसेंस आपका है पटाखों का? 15। ये तो देख रहे हैं कि 15 बहुत अधिक मात्रा में है। बना बनाया सामान। कितनी कीमत है इसकी? लगभग 4 लाख। 4 लाख रुपये। अभी कौन कौन टीम में आप जाँच के लिए आया है? जैसा कि सभी को ज्ञात है कि हरदा में जो दुखद घटना हुई है, उसके पश्चात श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार हम लोग पूरे विभाग में कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें प्रशासन और पुलिस मिलकर ऐसे पॉइंट को चिन्हित कर रही है जहां पर कोई अवैध भंडारण ना हो। और आज पुलिस की मुखबरी से प्राप्त हुआ कि सिमरदा ग्राम में बहुत बड़ी मात्रा में भंडारण विस्फोटक का रखा हुआ था, तो हम लोगों ने आके यहाँ पे कार्रवाई की। सर के निर्देश उपरांत हरदा में हुई दुखद घटना के बाद से सभी जगह सर्चिंग चल रही थी। हमने एक सूची निकलवाई जिसमें आज दिनांक तक जितने भी जारी की गई अनुमतियाँ हैं उसकी लिस्टिंग हमने की, और 2 दिन से हम उन स्पॉट पर जाकर कार्रवाई कर रहे हैं। तो सूची में इस जगह का भी नाम था, लेकिन इनकी एक्सपायरी लाइसेंस की हो चुकी थी 2018। लेकिन चूंकि पुराने भी जो हैं उनको भी हम सर्च कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो कोई नहीं है जो लाइसेंस नहीं होने के बाद भी काम कर रहा है, तो फिर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि यहाँ अभी भी कोई भंडारण किया जा रहा है। उसके आधार पर हम यहाँ पहुँचे और हमने पाया कि यहाँ वाकई में अवैध भंडारण पटाखों का है। तो मैं इतना माल पाएगा? अभी काउंटिंग चल रही है यहाँ पर, 50 के समथिंग बोरी अभी हमने देखी है और कुछ कार्टन्स भी रखे हैं, तो अभी गिनती चल रही है।